गम्हरिया पुलिस के सहयोग से दो स्थानीय लड़कों ने तकनीक का उपयोग कर एटीएम चोर को रंगे हाथ धर दबोचा है, जिसके पास से 50 चोरी के एटीएम बरामद किए गए। वहीं पुलिस ने एटीएम चोर रश्मि रंजन राज को जेल भेज दिया है। दरअसल मामला उस वक्त प्रकाश में आया जब गम्हरिया थाना से कल्पना देवी को फोन आया, जिसमें बताया गया कि आपके एटीएम से पैसे की निकासी की जा रही है। मामला आदर्श नगर थाना क्षेत्र का है। गम्हरिया थाना क्षेत्र में एक साइबर क्राइम की बड़ी घटना सामने आई है। इसमें जो अभियुक्त है, इसका नाम रश्मि रंजन बेज, उम्र 27 वर्ष, पिता बाबाजी बेज, ये केंद्रपाड़ा उड़ीसा का रहने वाला है। और ये क्या करता था कि एटीएम जो मशीन होता है, एटीएम का जो ये होता है, वहाँ पर जा करके खासतौर पर जो लोग ज़्यादा उम्र के होते थे या जिनको एटीएम कार्ड ठीक से यूज़ करना नहीं आता था, तो उनको मदद करने की ये से उनका कार्ड को, एटीएम कार्ड ऑब्लिक डेबिट कार्ड जो होता है बैंक का, वो दूसरे से एक्सचेंज कर लेता था, जो क्लोनिंग कहें या दूसरे से एक्सचेंज कर लेता था और पैसा का निकासी कर लेता था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।